Hello, ma'am. How are you? I'm doing good, ma'am. Rito, उस दिन आपने एक कॉम्पोजिशन सुनाया. Yes, आप एक बहुत अच्छे सिंगर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे कंपोजर है, ये साबित हुआ. लेकिन वो एक ही गाना था या फिर तुम कोई गाना अभी इसी वक्त, अगर दो मिनट में तुम्हें दिया जाए कि इसी वक्त कोई सिचुएशन पे तुम एक गाना बना दो, तो क्या तुम बना सकते हो? ये सर मैं ट्राई करता हूँ. ट्राई तुम करो. तुम एक ब्यूटीफुल रोमांटिक सिचुएशन देता हूँ मैं तुम्हें. नेहू और रोहू की मोहब्बत के ऊपर सडनली प्यार भरा कोई नगमा, कोई प्यारा सा गीत अगर तुम अभी इसी वक्त कंपोज कर लो, तो हम मान जाएंगे कि तुम सचमुच एक धुरंधर कलाकार हो. ओके मैम, अगर मैं कुछ गलत गा देता तो मेरे को माफ कर देना. अरे नहीं, आप मतलब इतना अचानक से अचानक सिचुएशन दे दी और आप गाएंगे, मैं तो उसी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. राइट मैम. तो आओ सुनाओ आप सबको एक प्यार की कहानी. सुनाओ. एक था शहर का मुंडा, एक थी गांव की लड़की. दोनों मिले कुछ इस तरह, जैसे मिलते हैं संगम पे दो नदियों का पानी. वाह. फिर एक दिन उस मुंडे ने कर दिया उस लड़की से अपना प्यार का इजहार कुछ इस तरह. करता हूँ मैं तुझसे ये वादा, तेरे बगैर ना कोई दूजा सोनी है. एक्सेप्शनल टैलेंट. इस बार का टैलेंट कमाल है यार. मैं तो समझता था कि ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी अच्छा करते हो यार. थैंक यू सो मच. क्या बात है. रितु के लिए जोरदार तालियां. थैंक यू मैम. थैंक यू. क्या बात है रितु, वी आर सो प्राउड ऑफ यू. बहुत बहुत प्राउड. और मुझे लग रहा है जब आप गा रहे होगे ना, तो ये जो मेरे रोहू यहाँ पे बैठे हैं ना, वो टीवी पे जब आपके परफॉर्मेंस देख रहे होंगे तो वो बहुत ही ब्लश करने वाले हैं. सो थैंक यू फॉर दैट. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. अभी रिजल्ट तो नहीं दे पाएंगे, बट होप फॉर द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. थैंक यू एवरीवन. आपकी बहुत ही प्यारी मीठी आवाज है. थैंक यू मैम. कुछ है, कुछ बात है आप में. बट फॉर दिस सीजन आई वुड से यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. आपको और मेहनत करनी पड़ेगी. आई एग्री एंटायरली. मेहनत थोड़ी बाकी है बेसिकली आपकी. सो सॉरी अबाउट दैट. गुड लक ब्रदर. थैंक यू. दिस वे दिस वे दिस वे. मुबारक. बेटा नहीं होगा. बेटा नहीं होगा. नहीं होगा ना. मुझसे भी नहीं हो पा रहा. फोन करें क्या आदि को? हाँ करो ना. लेट्स फिनिश इट. ओ नेहू,
हाय नेहू आदि कितने हुए यार अभी? बस 10,000 और बचे हैं। क्या? हेलो नेहू, नेहू चलो, लॉक किया है उसने, बाहर से जा भी नहीं सकते। मम्मी एक काम करो, 10-15 साथ में भेज दो यार। भेजो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम असितापा है, और मेरा नाम असितापा इसलिए है क्योंकि मुझे जंगल में यानी कि खेती में मुझे पैदा किया है। हमारा ट्राइब में ऐसे होता है कि जहाँ मैं जन्म करता है वही से रिलेटेड नाम रखते हैं, इसीलिए मेरा नाम असितापा, और पंपकिन गच्ची के सामने मुझे पैदा किया तो इसलिए मेरा नाम असितापा है। अच्छा, तो आइए इनके बारे में और थोड़ा करीब से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव पके मोदी की रहने वाली है। ये है इनका घर। कहने को तो ये घर है, मगर घर कहलाने लायक कुछ भी चीज़ नहीं है इनके पास। बस लेटने के लिए टूटा हुआ चारपाई, वो भी प्लास्टिक से बिछाया हुआ। LPG के ज़माने में आज भी ये लकड़ी से आग जलाकर खाना बनाते हैं। ये इतने गरीब है कि एक ही टूथपेस्ट को खेती से काट काट के उसे यूज करते हैं। आप इनके ब्रश का हालत को देखिए, पिछले 5 साल से एक ही ब्रश को घिस घिस के ये हाल हो गया है। हल्का होने के लिए इनको जंगल में जाना पड़ता है क्योंकि टॉयलेट बनाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। ये है इनकी माँ जो कि अभी घर घर बर्तन धोने के लिए जा रही है अपना रोजी रोटी के लिए। अब ये भी काम के लिए निकल रही है बांगा सिंगा टिपने, जो कि इनका डेली काम है। इधर उधर का प्लास्टिक बोतल, लोहा, तांबा जो भी फेंका हुआ मिलता है वो इसे उठा लेती है और इसे बेच के एक वक्त के खाना इसे नसीब हो जाती है। ये है इनका आज का दिन भर का इकट्ठा किया हुआ भंगा सिंगा। दिन भर तपती धूप में मेहनत करने के बाद इनको नसीब होता है एक वक्त का खाना, वो भी नमक और पानी के साथ। सर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पिताजी भी बहुत गरीब है, मेरा माँ दूसरे के घर में जाके बर्तन तारी धुलाता है, और डिकी ने मेरे एक ही ड्रेस है इसको धुलाता है, फिर हम ये करता है, फिर इसको पहनता है। बहुत गरीब है सर। दिवाली भी आ रहा है सर, दिवाली के लिए भी खर्चा तक नहीं है मेरे पास, 1 रुपया भी नहीं है मेरा हाथ में। लंबी सांस लेके तैयार हो जाइए। ऑल द बेस्ट। बिचली
किसी म्यूजिक रियलिटी शो में ऐसी गायकी शायद ही हमने सुनी है, शायद क्या सुनी नहीं। दिवाली का मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, मैं आपको 1,00,000 रुपए दे रही हूँ। मेरे लिए ये लाइफ में पहली बार 1,00,000 का चेक। मैंने तो पहली बार लड़की गाते हुए सुना है। Exactly. कभी नहीं देखा लड़की को इस गाना ये गाना गाते हुए, क्योंकि इसमें बहुत सारा यू नीड टू हैव सी। कुदरतन ऐसा होता है कि मेल वोकल रेंज थोड़ा सा और इलास्टिक होता है, राइट? और फीमेल वोकल रेंज का एक कि एक फिजिकल लिमिटेशन होती है, ये फैक्चुअल है। मैं इट्स नॉट जेंडर रिलेटेड, दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट, प्लीज मुझे मारिएगा मत पब्लिक, बायोलॉजिकल, बट दिस इज द ट्रूथ, इट्स बायोलॉजिकल। बट आप ऐसे सिंगर्स हैं कुछ दुनिया में और वो इमीडिएटली बहुत फेमस हो जाते हैं क्योंकि ये इस चीज को डिफाई करते हैं, उनमें से एक आप इंडिया की पहली इंडियन आइडल बन सकती है, हेली गर्ल इंडियन आइडल। थैंक यू आप सभी को, आप लोग ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे सिलेक्ट किया, मेरा गरीबी को सुना, मेरा कहानी, मेरा गरीब कहानी सबको सुन के मुझे सिलेक्ट किया। मेरा गला तो इतना फटाफटा है, इतना भेसुरी था, पर आपने मुझे इंडियन आइडल में सिलेक्ट किया मेरा गरीबी के लिए, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गोल्डन माइक के हकदार हैं आप। हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार, आशाएं तूफानों को चीर के मंजिल।